हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेट्स ड्रीम टुगेदर पर। आज के इस सेशन में हम पार्ट टू करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस को हम देखेंगे वन बाय वन। और हमें आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, आपको उस सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है, सिर्फ ये बेसिक्स को क्लियर करना है और साथ में उन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है जहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन, मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को, तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है और किस फ्लेम के साथ वो बर्न करता है, जलता है। तो कोई भी चीज़, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है जो कि उसके आसपास प्रेजेंट रहती है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है जलने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। और ये जो रिबन है कैसी फ्लेम के साथ बर्न करेगा, ये बर्न करेगा वाइट फ्लेम के साथ, ठीक है। उसके बाद जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, H2 मतलब कि पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो हमारे पास एक नेक्स्ट सब्सटेंस प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और प्रीवियस चैप्टर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका नेचर कैसा होता है, ये होता है बेसिक इन नेचर, ठीक है। और फिर हायर क्लासेस में आपको पता चल जाएगा जहाँ पे ये OH आयंस होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। नाइन्थ क्लास में जो है हम फर्दर देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस है, कौन सी अनबैलेंस है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो कोशिश करिएगा ये बताने की इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन बैलेंस्ड है और कौन सी अनबैलेंस्ड है, तो आप ये कोशिश कीजिएगा बताने की कमेंट सेक्शन में, ओके। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बना है वो कैसा नेचर होता है, उसका बेसिक इन नेचर होता है। हम देखेंगे, आपने लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं या फिर नीला ठूठा भी बोलते हैं। तो ब्लू विट्रोल जो है कॉपर सल्फेट का ही दूसरा नाम है और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि आपसे पूछा जाएगा इनमें से ब्लू विट्रोल कौन सा है, तो आंसर होगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, क्या होता है, CuSO4, ये होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। जब हम इसको आयरन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आयरन जो होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि आयरन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर को दूर भगा देता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ से भागो, मैं सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाने वाला हूँ। तो आयरन जो है सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है जो कि ग्रीन इन कलर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कॉपर सल्फेट जो है आयरन के साथ रिएक्ट हुआ है और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना है, तो आपको पूछेंगे कि उस सॉल्यूशन का कलर क्या है, ठीक है, तो आंसर होगा ग्रीन इन कलर। तो कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में बदल जाता है और उसका कलर जो है ग्रीन हो जाता है, और साथ में जो कॉपर को डिस्प्लेस किया गया है आयरन के द्वारा वो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है ब्राउन कलर की, और इसी को जो है हम रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शंस में पढ़ने वाले हैं कि हाँ ये एक नया सब्सटेंस बन रहा है, यहाँ पे पहले कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे आयरन सल्फेट था, तो एक नया प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है, आयरन और लोहा और जंग ये दोनों सेम नहीं होते हैं,
लोहा अलग होता है और जंग अलग होता है। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, लेकिन जंग अगर उस पर लग जाता है तो जंग का फॉर्मूला होगा Fe2O3। ये कब होता है? जब आयरन को हम ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोहे के जो बेंच वगैरह होते हैं अपने पार्क वगैरह में देखे होंगे, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कई बार बारिश आ जाती है भीग जाते हैं, तो पानी के साथ भी रिएक्ट करते हैं, राइट। अब आयरन जो है रिएक्ट करेगा पानी के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, तो उसके बाद जो एक प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि आयरन जो है अलग है और रस्ट अलग है, लोहा अलग है, जंग अलग होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या रिएक्शंस रहती हैं। ये इसमें हम देखने वाले हैं कौन सी गैस जो है ऑब्टेन होती है हिसिंग साउंड के साथ, ये हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले आता है विनेगर। विनेगर का दूसरा नाम मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुकी हूँ, ये एक तरह का एसिटिक एसिड इसमें होता है, ठीक है। तो एसिड का हमने रिएक्ट किसके साथ कराया? बेस का, जो कि है बेकिंग सोडा, मतलब कि खाने वाला सोडा, ठीक है। और इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो बुलबुले निकल के आते हैं। किसके बुलबुले होते हैं? और हिसिंग साउंड के साथ आते हैं, तो वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम किसके साथ, किस में पास करते हैं? लाइम वाटर में। लाइम वाटर क्या होता है? ये होता है चूने का पानी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम चूने के पानी में भेजते हैं तो वो उसके साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है। और इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हम बोलते हैं लाइम वाटर को। और जैसे ही ये इसके साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाएगी, बताओ? अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। ये इस सॉल्यूशन को जो है मिल्की कर देगी। कैसा कर देगी? मिल्की कर देगी। और साथ में जो सब्सटेंस ऑब्टेन होंगे वो होंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि जब विनेगर, जो कि एसिटिक एसिड होता है, इसमें बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। और जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर या फिर चूने का जो पानी होता है उसमें से पास करते हैं तो उस सॉल्यूशन को वो मिल्की कर देता है। और किसी सॉल्यूशन का जब मिल्की होता है तो उसका मतलब ये है कि हाँ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया गया है और उसकी वजह से फॉर्मेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की और पानी की। आई होप आपको ये रिएक्शंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट कुछ पार्ट्स आने वाले हैं चैप्टर्स पे जो कि आपको देखने होंगे, और ये चैप्टर आप अपना पूरा कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब।